समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, जीएसटी को लेकर क्यों हंगामा मचा रहे हैं? जीएसटी में ईडी का अगर प्रयोग हो रहा है तो देखिए, हंगामा मचना लाजमी है क्योंकि ये सबको मालूम है कि इस देश में ईडी का कितना दुरुपयोग हो रहा है। जीएसटी के अंतर्गत हमारा जो व्यापारी समाज है, व्यापार करता है रजिस्ट्रेशन कराकर, और वो दो प्रकार से टैक्स देता है, यानी केंद्र को भी और प्रदेश को भी। यदि किसी अधिकारी को लगती है कि कोई अनियमितता है या कोई ऐसी चीज़ आती है कि इसमें कहीं टैक्स की नुकसान हो रही है, तो वो प्रावधान है कि वो जीएसटी में टैक्स लगा कर पेनाल्टी लगाकर दुगना तिगुना ले लेती है। लेकिन अब उसके बाद आर्थिक पेनाल्टी के बाद जिस प्रकार से जीएसटी में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ईडी का प्रवेश कराया गया है, इससे साफ साफ लगता है कि अब इसका दुरुपयोग किया जाएगा। अभी तक ईडी नेताओं पर लगता था और अब व्यापारी साथियों पर लगेगा, और राजनीतिक दल की पहचान कर कर व्यापारियों की जो अपनी समर्थता है उस पर इसका दुरुपयोग किया जाएगा। और मैं अपने व्यापारी साथियों से कहना चाहूँगा कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस काले कानून को वापस लेने के लिए कमर कस चुकी है। ये व्यापारी साथी जो देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी है, उनके साथ जिस प्रकार से धमकाने की राजनीति किया जा रही है और हमारे परिवार के बच्चों के भविष्य को अधर लाने के लिए आपकी मेहनत से कमाई गई धन संपत्ति को ये जब्त करने काम करेगी, इसलिए आप सभी लोग इस काले कानून का विरोध करिए और इस काले कानून को वापस कराइए, वरना पूरा व्यापारी समाज के लोग, जिस प्रकार से आप जाने होंगे कि कोरोना काल में लगभग 6032 हमारे व्यापारियों ने आत्महत्या किया था, उसके बाद से लगभग 2000 और ने किया है, लेकिन जिस प्रकार से ईडी का प्रवेश कराया गया है, मुझे लगता है संख्या बहुत जाने वाली है। ये तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है उस पर शिकंजा कसने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, आप लोग हर बात में विरोध क्यों करते हैं? हमारी मांग ये है कि अगर वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने के लिए है, तो आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो आधी रात को क्यों किया? आप जानते हैं कि जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के दोनों सदस्य जब बैठते हैं, कोई चर्चा करते हैं, तो आम सहमति के आधार पर किसी भी अधिसूचना को जारी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने लागू किया है, ये दर्शाता है कि किसी षड्यंत्र के तहत अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को ये ईडी का धमकी देकर उनको अपने साथ लाने का काम करेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। प्रदीप जायसवाल जी ने कहा कि ईडी का जो प्रयोग है वो व्यापारियों को परेशान करने के लिए और जो उनकी मुखालिफत करते हैं उनको अपने पक्ष में लाने के लिए किया जाएगा। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।